हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, इस वीडियो में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले समस्त मेले और उत्सव और लोक नृत्य जहाँ जहाँ भी आयोजित होते हैं, इस वीडियो में अगर आप एक बार देख लें तो मिनिमम 90% आपके जो प्रश्न हैं एमपीपीएससी या एमपी प्लस में पूछे जाने अन्य परीक्षाओं में, तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कान्हा बाबा के मेला कहाँ लगता है। तो भैया, कान्हा बाबा का जो मेला है वो लगता है आपका हरदा में। कहाँ लगता है? हरदा। ठीक है, सूडलपुर। जगह कौन सी है? सूडलपुर, हरदा में जो है कान्हा बाबा का मेला आपका लगता है। अगला है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। तो भैया, महामृत्युंजय का जो मेला है वो लगता है रीवा में। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, कान्हा बाबा के मेला हरदा में लगता है। ठीक है, और भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेंगे कि सिंहस्थ कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में कहाँ लगता है। भैया जी, तो अब मैं बताऊंगा नहीं, क्यों, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। तो भैया, जो गधों का मेला है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन में। गधों का मेला जो है वो उज्जैन में लगता है। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है ना, वो लगता है आपका ग्वालियर में। तो व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। ठीक है, बरमान का मेला कहाँ लगता है। तो भैया, जो बरमान का मेला है वो लगता है आपका नरसिंहपुर। कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में। बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। ठीक है, बरमान का मेला नरसिंहपुर। अगला क्वेश्चन है, तो जो बरमान का मेला है वो नरसिंहपुर में लगता है। ठीक है, अगला है कि बाबा साहेबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ आयोजित होता है। तो भैया, बाबा साहेबुद्दीन औलिया जो हैं, इनका जो उर्स है वो नीमच में आयोजित होता है। या आपसे ये भी पूछा सकता है कि उनकी दरगाह कहाँ पर है, तो वो भी नीमच में स्थित है। ठीक है, अगला है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो जो जागेश्वरी देवी का मेला है ये लगता है आपका गुना में। कहाँ लगता है? गुना में जो है जागेश्वरी देवी का मेला लगता है। ऐसे ही क्वेश्चन तो व्यापम पूछ लेता है, जो हमें आते नहीं है ना हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपको सब क्लियर मिल जाएगा। धमोनी उर्स मेला कहाँ आयोजित होता है। तो भैया, जो धमोनी उर्स का मेला है वो जो है वो आयोजित होता है आपका कहाँ पर? सागर में। कहाँ आयोजित होता है? सागर में जो है धमोनी उर्स का मेला आयोजित होता है। अगला है, 10वां क्वेश्चन, कि भगोरिया हाट का मेला कहाँ लगाया जाता है। तो जो भगोरिया हाट झाबुआ अलीराजपुर से संबंधित है ना, भगोरिया नृत्य भी वही मनाया जाता है। तो जो है आपका इसका सही आंसर है झाबुआ। क्या है? झाबुआ है ना। मध्य प्रदेश के किन मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के मंदिर हैं उनको विश्व धरोहर घोषित किया गया है ना। एक क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का मिला है इसमें, कि खजुराहो की जो मंदिर हैं उसको विश्व धरोहर यानी यूनेस्को है ना में सम्मिलित किया गया। अगला 12वां प्रश्न जो है आपका, वो क्या बोल रहा है कि मठ घूंघरा या माघ घोघरा का मेला कहाँ लगता है। तो भैया, जो माघ घोघरा का मेला है ये लगता है आपका कहाँ पर? सिवनी में। कहाँ लगता है? सिवनी में जो है आपका, जो है आपका सिवनी में लगता है। ठीक है, मठ घोघरा का मेला। अगला क्वेश्चन है कि चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है। चांदी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर है कि चांदी देवी का जो मेला है वो लगता है आपका कहाँ? घोघरा गांव सीधी में। कहाँ पर? घोघरा गांव सीधी। घोघरा गांव सीधी चांदी देवी का मेला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जो है गलत तरीके से मेल है। तो नागाजी का मेला पूर्सा में लगता है, या सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंगाजी का मेला पिपल्लिया खुर्द खरगोन में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तेजाजी का मेला गुना में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मंदाता का मेला उज्जैन में लगता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है फिर से। तो भैया, सोनगिरी दतिया में स्थित है, जी बिल्कुल सही है कि सोनगिरी दतिया में स्थित है। पीर बुधनी धमोनी बिल्कुल सही है। रामजी बाबा होशंगाबाद बिल्कुल सही है। लेकिन जल विहार टीकमगढ़ ये गलत है। जल विहार जो है ओरछा, वो सॉरी छतरपुर में लगता है। ठीक है, माचा कहाँ का लोक नृत्य है।
जो माच या परीक्षा में माच भी पूछा गया था एक बार व्यापम की परीक्षा में, माच कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो माच है वो मालवा का लोक नृत्य है। काठी कहाँ का लोक नृत्य है, तो जो काठी है जी, काठी जो है आपका वो निमाड़ का लोक नृत्य है। कहाँ का, निमाड़ का। राई स्वांग किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो भैया जो राई स्वांग है ये जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, और जी मध्य प्रदेश का भी लोक नृत्य है राई, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, तो इसमें जो है आपको ऑप्शन में पढ़ के नहीं बताऊंगा, इससे लेट हो जाएगा, है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पंडवानी जो लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश का नहीं है, बाकी माच राई स्वांग काठी ये सब मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है, तो भैया निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है कि इनमें से, इनका सही उत्तर है क्या कि जो गोंचो नृत्य है, कौन सा नृत्य, गोंचो नृत्य जो डी ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, जो गोंचो नृत्य है वो बेगा जनजाति संबंधित नहीं है, बल्कि बलमा नृत्य, कर्मा और परधोनी ये सभी जो है जनजाति बेगा से संबंधित हैं, लेकिन गोंचो नृत्य बेगा जनजाति संबंधित नहीं है। भगोरिया नृत्य निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है कि जो भगोरिया नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित है, और कहाँ, खंडवो, झाबुआ और अलीराजपुर में ये निवास करते हैं, है ना। और छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है, भारिया, है ना, पातालकोट में भारिया। अगला है बुंदेलखंड में खुशी या बधाई के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो भैया खुशी या बधाई के समय जो किया जाने वाला वो नृत्य है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो उसका सही उत्तर है राई, क्या है, राई। अगला है कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो जो कोरकू जनजाति है उसके द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है वो है कौन सा, चटकोरा। कौन सा, चटकोरा नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से संबंधित है, चटकोरा, कोरकू, चटकोरा, कोरकू। चौगड़िया फाग कहाँ होता है, तो ये जो चौगड़िया जो फाग है जो बुंदेलखंड में मनाई जाती है, फाग गाई जाती है बुंदेलखंड में, ठीक है। बुंदेलखंड में धोबियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो ये बुंदेलखंड में जो धोबी समाज है उसके द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसको कहते हैं हम कानरा नृत्य। कौन सा नृत्य, कानरा। ये जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी व्यापम में और एमपीपीएससी में पूछ लेते हैं, तो हमें पता नहीं रहता जी कहाँ से आया, ना हमने पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में आपको जी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। गोवर्धन पूजा गोधन से संबंधित कब मनाई जाती है, तो भैया जो गोवर्धन पूजा है जो गोधन से संबंधित है ये आपकी जो है मनाई जाती है कब, ये मनाई जाती है आपकी दीपावली के दूसरे दिन, है ना, गोवर्धन पूजा, है ना, दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है, फिर तीसरे दिन जो है भाई दूज होता है। गोल घगेड़ू, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोल घगेड़ा उत्सव किस जनजाति के लोग मनाते हैं, तो यह इसका सही आंसर है भील जनजाति के लोग जो हैं गोल घगेड़ा उत्सव मनाते हैं। निम्न में से कौन सा पर्व मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का उत्सव है, कुंवारी लड़कियों का उत्सव कौन सा मालवा क्षेत्र में, तो इसका सही उत्तर है मामुलिया, संजा या मामुलिया, संजा या मामुलिया जो है मालवा क्षेत्र से संबंधित है, कुंवारी लड़कियों का उत्सव है। अगला है सुआरा, सुआरा पर्व जो मालवा के घड़ल्या की तरह मनाया जाता है, प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो जो सुआरा पर्व है वो बुंदेलखंड में मनाया जाता है, सुआटा बोलते हैं जिसको, है ना, जी कब मनाया जाता है, नवरात्रि के दिनों में जो जो बच्चे हैं लड़कियां हैं वो फूल या रंगोली बनाते हैं अपने घर के बाहर, तो उसी को सुआटा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर महिलाओं का पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो ये जो गणगौर है वो मध्य प्रदेश के कहाँ, मालवा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है गणगौर, ठीक है। फागुन मास में गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, तो फागुन मास में गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला जो पर्व है उसको कहते हैं अपन क्या, मेघनाथ पर्व, क्या, मेघनाथ, फागुन मास, मेघनाथ, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो भोजपुर रायसेन में स्थित है, भोजपुर, है ना। चौगड़िया फाग कहाँ की लोक गायन शैली है, जी अभी इससे पहले हो चुका है ना, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर जो है आपका
वो है आपका कौन सा सही उत्तर, बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है कि आलाखंड की लोक कथाएं गाथाएं प्रचलित हैं कहाँ पर? तो ये जो आलाखंड है इसकी लोक कथाएं कहाँ पर प्रचलित हैं? तो जी हैं, बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड में, ठीक है। और संत सिंगाजी के भजन प्रचलित कहाँ पर हैं? तो ये संत सिंगाजी जो हैं निमाड़ अंचल से संबंधित हैं। कहाँ से? निमाड़ से। खंडवा खरगोन से हैं जो संत सिंगाजी संबंधित, तो निमाड़ में प्रचलित है। कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धक है ना, प्रति मतलब कंपटीशन, लोक गायन शैली प्रचलित है कहाँ पर? कलगी तुर्रा लोक गायन शैली कहाँ पर प्रचलित है? तो ये है आपकी कहाँ पर, यह आपकी निमाड़ में प्रचलित है। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में, कलगी तुर्रा। अगला है, बमूलिया गायन शैली किस देवता के लिए गाई जाती है? तो भैया जो बमूलिया गायन शैली है शंकर जी के लिए गाई जाती है, भोलेनाथ जी के लिए, ठीक है। शरद समैया का मेला कहाँ लगता है? तो शरद समैया का जो मेला है वो लगता है आपका पन्ना में। कहाँ लगता है भैया? पन्ना में लगता है, शरद समैया का मेला पन्ना में। और तेजा जी, तेजा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो भैया जो तेजा बाबा हैं है ना, तेजा बाबा इनका जो मेला है वो लगता है गुनामा, कितने तेज गुना चलना है, तो तेजा है ना, तेजा बाबा गुना। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो इससे पहले भी ये हो चुका है, जागेश्वरी देवी का जो मेला है वो चंदेरी अशोकनगर में लगता है ना, चंदेरी अशोकनगर जागेश्वरी देवी। और हीरा भूरिया का मेला कहाँ लगता है? तो भैया जो हीरा भूरिया का मेला है ये लगता है आपका गुना में। कहाँ लगता है? गुना में। तेजा जी का मेला और हीरा भूरिया का मेला जो है आपका गुना में लगता है। और इसके बाद है कि तानसेन प्रमुख संगीतकार की समाधि जो है ग्वालियर स्थित है। ये तो उतना ही इजी है जितना ही सिंहस्थ कुंभ वाला क्वेश्चन था कि लावणी गीत के निम्न में से कौन से दो प्रकार हैं? तो लावणी गीत के दोनों ही दिए गए हैं, तो वो एक प्रकार होंगे, कौन सा? निर्गुणी और श्रृंगारी। तो आ वाह दोनों इसका सही उत्तर है। और दो क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी जरा भी स्किप मत करना। कि लावणी गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो लावणी गीत है वो आपका जो है कहाँ से? मालवा और निमाड़, आ और बा दोनों से संबंधित है। लावणी गीत बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन और वो भी आखिरी है कि रेलो गीत किससे संबंधित है? तो जो रेलो गीत है वो आपका जो संबंधित है कहाँ से? रेलो गीत जो संबंधित है वो आपका भील जनजाति से संबंधित है भैया, भील से। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, मिलती हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और जो आपको टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।